अपनी बाइबल को पकड़ो, उसे हाथों में उठाकर बोलो, ये वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार है, मैं इस वचन पर अपने ध्यान को लगाऊंगा, ये मेरे मुंह से निकला करेगा, यही एकमात्र रास्ता है मेरी चंगाई का, मेरी बरकत का। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। तारीफ करो जोर से आज के दिन के लिए। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 16 उसकी 11 आयत, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। कलीसिया इसलिए आशीषित नहीं होती सिर्फ कि वो चर्च अटेंड करती है, टाइट देती है, नो, ये सिर्फ कलीसिया का यही काम नहीं है। कलीसिया का काम है कि जो कुछ परमेश्वर का आत्मा करना चाहता है अपने दास के जरिए, अपनी आत्मा के जरिए, उन कामों को पूरा करने के लिए अपने शरीर को, अपने टाइम को, अपने पैसे को, अपने गिफ्ट्स को परमेश्वर को देना, तब बाइबल कहती जो कलीसिया आई है वो आशीषित होगी। आमेन। पौलुस ने कहा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को इज्जत समेत पूरा करेगा। कई बार घटियां बेइज्जती से पूरी होती हैं, हाँ, कि घटी हो गई, आप मांगने जाते हैं, वो 10 टाइम बेइज्जती करता है और फिर देता है बिले 20,000 ब्याज टाइम पर देना पर। परमेश्वर कहता है लेकिन मैं तुम्हारी हर घटी को इज्जत से पूरा करूंगा, तुम्हें बेइज्जती नहीं होगी। पर ये किसको बोला गया? ये उस कलीसिया को बोला गया जो पौलुस के मिशनरी कामों में उसकी सहायता करते थे, जो चंदा भेजते थे, जो उसके साथ खड़े थे, जो पौलुस के साथ खड़े होने से शर्मिंदा नहीं थे। बाइबल कहती पौलुस ने कहा अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को मसीह में महिमा सहित पूरा करेगा। हालेलुया। पिछले साल पंजाब में बहुत विरोध हुआ परमेश्वर का, मेरे गांव मत आना, इधर नहीं आना, उधर मत आना। तो मैंने कहा था एक कमेटी बनाएंगे, पास्टर्स कहीं भी किसी भी मिशन का किसी को टच किया उसका सारा ही जिम्मेवारी हम लेंगे, चर्च लेंगे। क्या हुआ? किसी पास्टर को चोट लगती थी, कोई चाकू मार गया, उसको लगता था अब क्या होगा, उसका बेस्ट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता था, उसकी फैमिली को मंथली पेमेंट मिलती थी, उसका पूरा इलाज फर्स्ट क्लास हॉस्पिटल में, उसको कोई चिंता नहीं थी। उनको लगता था कि नहीं यार ये काम, हर संडे मेरा बयान आता था, आता था कि नहीं, क्योंकि पंजाब के हर गांव से इस चर्च के मेंबर हैं, तो मेरा बयान काम करता था। अब लोग बोलते हैं मणिपुर के लिए बयान क्यों नहीं देते, वहां मेरा कोई मेंबरशिप नहीं है, कॉन्टैक्ट नहीं है, मेरा बयान उनका नुकसान करेगा, फायदा नहीं करेगा। लेकिन क्या मैं काम कर रहा हूं? खुदाबंद छक्के छुड़ा देगा, टाइम की वेट करना अपनी, जस्ट वेट करना। हर काम को बोल के किया जाए जरूरी नहीं, यीशु ने हमें सांपों की तरह बुद्धिमान रहने के लिए बोला। तो डोंट वरी, अगर मैं किसी चीज का नाम नहीं ले रहा हूं तो मैं उसके लिए काम नहीं कर रहा हूं, ये भूल जाओ। ये जिंदगी खुदा के लिए और उसके लोगों के लिए, और कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, मेरा कोई पर्सनल बिजनेस नहीं है। मैं चाहूं तो लाखों करोड़ों मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकता हूं देश के बाहर जाके, मैं आपके बीच में रहता हूं, रोज सुबह एक, रोज शाम आठ, रोज सुबह एक, रोज शाम आठ, आपने मुझे फंसा लिया है। हालेलुया। आप मुझे जाने नहीं देते कहीं भी। अगर मैं नाम नहीं ले रहा हूं तो उसका मकसद है, क्योंकि जहां मेरा नाम लेने से फायदा होगा मैं लूंगा, जहां उनका नुकसान होगा मैं नहीं लूंगा। लेकिन काम कर रहा है खुदावन, मैं आपको बता रहा हूं। सुनो, जिस जिस जगह पे आप हिस्ट्री देख लो, पड़ोसी देशों की देख लो,
दूर देशों की देख लो, जिस जिस देश में परमेश्वर के नाम का विरोध पब्लिकली हुआ है, उन्होंने मार भी पब्लिकली खाई है, भूचालों से, प्राकृतिक आपदाओं से, सूखे से, बाढ़ से, देख चेक कर लो, जाओ जाओ चेक कर लो, जाओ हिस्ट्री चेक कर लो। परमेश्वर तुमको कहता है माफ कर दो, इसका मतलब ये नहीं वो भूल गया है। जीसस ने कहा पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर ने माफ कर दिया। कुछ ही सालों के बाद रोमी आए, यरूशलम के सारे आराधनालय को ढाकर, वो लोग जो अपने आराधनालय पे घमंड करते थे उनको बंदी बनाकर उनके 3600 लोगों को मारकर घड़ीस कर वहां से लेके गए थे। परमेश्वर ने कहा था पिता इन्हें माफ कर, उसने तो माफ कर दिया, लेकिन वो कहता जब तू माफ करता ना, तू अंगारों का ढेर लगाता है अपने माफ करने वाले के सिर पे। तो लोग तो विरोध करके भूल जाते हैं, लेकिन जब परमेश्वर जवाब देता है ना, तो तौबा तौबा कानों में हाथ लगते हैं, लगते कि नहीं, फिर वो हटता भी नहीं, जल्दी हटता भी नहीं, वो पूरा हिसाब किताब चुकता करके वो हटेगा। और साथ में हमको भी लगाया हुआ है, हाँ, कि सब जगह मेरा बैंक बैलेंस पहली बार इतने महीनों में हुआ कि बिल्कुल जीरो पे आने पे लगा, इतनी चैरिटी हो रही है, क्योंकि मैं रोक नहीं सकता उन लोगों के लिए, मेरे दिल में होता है कि, और मेरी आदत है कि मैं सिर्फ फोटोज के लिए चैरिटी नहीं करता हूँ, कि फोटो देनी है चल भी 10 ब्रश तू ले जा, 10 पेस्ट तू ले जा, हाँ वो मैं कर नहीं सकता हूँ। अगर चैरिटी किसी के घर में जाएगी तो महीने का राशन, बोतलें, दूध, डायपर सब कुछ जाएगा, तो ऐसा नहीं जाएगा कि हाँ 2 सेकंड के लिए गए, फोटो ली, इंटरनेट पे डालने के लिए, वो मेरे से होता नहीं। आप जितना इंटरनेट पे देखते हो वो सिर्फ 1% है जो चैरिटी हम करते हैं। जीसस ने कहा तेरा दाहिना हाथ करे बाहिना ना जाने, बाहिना करे दाहिना ना जाने। जो कुछ भी इंटरनेट पे पढ़ता वो इसलिए कि मेरे स्पिरिचुअल सन्स 1200-1500 पास्टर्स हैं स्पिरिचुअल सन्स, वो फॉलो कर सके, सेम उन्हें मालूम हो मिनिस्ट्री क्या कर रही है, वो भी फॉलो कर सके, दैट्स इट, हालेलुया। तो ये भूल जाओ कि परमेश्वर भूल गया है, उसने तुमको बोला है माफ करने के लिए, वो खुद हिसाब किताब पूरा चुकता कर रहा है, हालेलुया। और ऐसा ही है परमेश्वर, इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है। जब मेरे घर में क्रिश्चियन सिस्टर्स आई थी प्रार्थना करने के लिए मेरे दादा पे, तो मैं उनको बोलता था कि अगर दोबारा मेरे घर में आए ना, हिंदू घर है हमारा, तो पीटेंगे तुमको, क्योंकि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम हमारे खिलाफ बोलते हो। विरोध करके अपनी फैमिली को मैं ले गया वापिस, चर्च नहीं जाने दिया, अपने घर के मॉडल टाउन मार्केट के अंदर बहुत बड़ा है मेरा घर था, 25 मरले से भी ज्यादा, तो वहां मैंने अपने घर की द्योड़ी के ऊपर मंत्र लगा दिए थे कि सारा दिन इनको सुनना है, खबरदार जो चर्च गए तो। आप जानते नहीं मैं कहां से आया हूं, लेकिन जब पागलपन के दौरे पड़े, जब बीमार हुआ, जब डॉक्टर्स ने, जब वैद्यों ने, जगहों ने जब हाथ खड़े कर दिए, पागलों की तरह मैं जाता था उनकी जगहों के ऊपर, आप मुझे देख के बताओ मेरा क्या है फ्यूचर, मैं क्या करूं, मैं ऐसे फील कर रहा हूं, मैं ऐसे महसूस कर रहा हूं, मेरा दिल करता मैं सुसाइड कर लूं, मुझे पागलपन के अटैक होते, मैं कोई हल नहीं, क्योंकि मैं भूल गया था कि मैंने विरोध किया था जीसस का, मैं तो भूल गया विरोध करके, जीसस कहां भूलते हैं, तुम तो भूल गए विरोध करके, हालालाला मचा के, और तुम्हें लगता था कि क्या होगा, लेकिन जब वो फिर चिट्ठियां खोलता है, खाते खोलता है बराबर करने के लिए, फिर वो ऐसा बराबर करता है, हालेलुया। परमेश्वर से पंगा लेके कोई बच सकता है क्या? कोई नहीं बचा आज तक, कोई उस पर केस नहीं कर सकता कि तू भूचाल क्यों दे रहे, तूने बारिश ज्यादा क्यों कर दी, कोई केस कर सकता है क्या? कोई है कोई ऐसी कोर्ट जहां पे परमेश्वर के खिलाफ केस किया जा सके? इसलिए बाइबल कहती है डरते रहो और कांपते रहो और अपने उद्धार का काम करते रहो, हालेलुया। हर चीज का हिसाब होगा,
जहां मसीह लोगों को सताया जा रहा है उन जगहों पे भी बड़ा तगड़ा हिसाब होगा। खाते खुलेंगे, देखना तुम, तुम्हारी आंखों के सामने होगा। हालेलुया। हम कोई मुर्दा परमेश्वर को थोड़ी मानते हैं कि हमें संसारिक योजनाएं बनानी पड़ेंगी। हमारा परमेश्वर जिंदा है, जब वो योजना देगा तो आत्मिक देगा और वो काम करेगी। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। अपने पड़ोसी को बोलो स्पिरिचुअल बन, आत्मिकता में ही फायदा है। फिर से बोलो स्पिरिचुअल बन, आत्मिक बन, क्योंकि आत्मिक बनने में तेरा फायदा है। आमीन। मैं आपको फिर से एक चीज बताना चाहता हूं। आपको लगता है कि परमेश्वर बड़ी बड़ी बातों की चिंता करता है, देशों की, हां, उसे बड़ी बड़ी बेदारियों की चिंता है। सही है उसे, लेकिन मैं आपको यह भी बता सकता हूं, उसे आपकी छोटी से छोटी बात की भी चिंता है। स्मॉल, इतना छोटा, इतनी माइक्रो आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको सच कह रहा हूं, आप क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कहां जाते हैं, क्या चलाते हैं, उसको चिंता है। मेरे घर में एक टीवी था और जब भी वो टीवी ऑन होता था तो पता नहीं उसमें क्या, टीवी अच्छी कंपनी का था, लेकिन जब वो चलता था तो आंखों में हल्का सा दर्द होता था। लेकिन हमने ये समझ के लिया था बड़ा स्क्रीन है, बड़ा अच्छा तो अच्छा रहेगा कि बच्चे रोज रात को फायर प्रेयर करते हैं, कभी हम लगे रहते हैं, चलो ले लो। लेकिन वो दो टीवी लिए, एक बिल्कुल सही था, एक आंखों में पेन। परमेश्वर को मालूम था ये आंखों के लिए सही नहीं। आप इमेजिन करना, वो टीवी बिना कारण के ही टूट गया, लाखों रुपए का, और उसकी जगह सेम टीवी आया बिल्कुल राइट, कोई पेन नहीं। आपकी छोटी सी चीज परमेश्वर चिंता करता। मैं आपको बता सकता हूं, आपकी सोच, हमें पता क्या लगता है कि परमेश्वर इतनी छोटी बातों की चिंता। परमेश्वर ने कहा तंबू बनाओ और उस तंबू में मेरे लिखे हुए वचन जो खुदा ने अपने हाथ से लिखे थे और मूसा को दिए थे वो रख दो। तंबू बना, महापवित्र स्थान में परमेश्वर का संदूक था, उससे पीछे मेज था, रोटियां थी, दीवट था, उसके बाहर का आंगन था, तो एक तंबू बना दिया गया मूसा के द्वारा। हाँ या ना? 12 गोत्र थे, 12 गोत्रों को बोला, 3 गोत्र मंदिर चर्च के आराधनालय के खब्बे हाथ, 3 गोत्र सज्जे हाथ, 3 सामने और 3 पीछे, 12 गोत्र थे। तो 12 गोत्र जब परमेश्वर बोलेगा कि यहां से निकल के आगे चले जाओ, तो 12 गोत्र उठेंगे और चलेंगे और 3 इधर 3 इधर, कौन से 3 वो भी बताया, ये 3 इधर, ये 3 इधर, ये 3 इधर, ये 3 पीछे। तो जब तंबू उठाया जाएगा तो तुम भी 12 लोग साथ साथ, 12 गोत्र लाखों लोग थे, 6 लाख तो युद्ध करने वाले लोग थे, 20 साल से ज्यादा, स्त्रियां शामिल नहीं की गई थी, तो आप इमेजिन करो 20 लाख की पॉपुलेशन थी वो, 20 लाख लोग थे जो तंबू के आसपास चलते थे। और परमेश्वर ने क्या कहा, तंबू में जो लोग होंगे, तंबू का जो सेवा करेंगे वो लेवी लोग, वो उसमें शामिल नहीं थे। तो जैसे ही परमेश्वर बोलता था कि तंबू उठा के चलो आगे, तो कुछ उसके दीवट को उठाते थे, कुछ की ड्यूटी लगी थी पवित्र स्थान को उठाना, कुछ की ड्यूटी पर्दे उठाना, बांस जो भी था उनके पास उठाते थे, वो चलते थे, लेवी बीच में, 12 लोग साइड पे चलते थे। समझ आई कि नहीं आई? अपने हाथों को उठा के बोलो, परमेश्वर जो कुछ आप मैं समझूं वो 100 गुना फलों को लेके आए। मांगो अपने हाथों को उठा के पहले ऊंची आवाज में।
प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। अब ध्यान से समझना, 12 गोत्र थे, बोलो कितने। परमेश्वर ने कहा जब मैं इन 12 गोत्रों को इज़राइल को मिस्र से छुड़ा कर लेके आया था, तो कैसे छुड़ा के लेके आया था? लास्ट चमत्कार परमेश्वर ने क्या किया था मिस्र में, बोलो, लास्ट मिरेकल क्या था? पहलोठे मार दिए थे। हां, तारीफ करो जोर से। उनके पहलोठे यानी बड़े बच्चे, जो सबसे बड़े फैमिली का था, वो सब मार दिए थे, फिरौन के भी, फिरौन की प्रजा के भी। और वो डर गए और उन्होंने कहा इसराइलियों का खुदा सच्चा है, इन्हें छोड़ दो, सताओ मत। एक ही रात में मूसा उसके साथ इसराइल की सारी कौम निकल गई। समझ आई कि नहीं? फिर उन्होंने तंबू बना लिया जहां पर परमेश्वर का वो भवन और परमेश्वर का जो संदूक था लिखा हुआ वो रखते थे। अब परमेश्वर ने क्या कहा, लेवी, जो सेवा करने वाले लेवी थे, जो भवन की सेवा करते थे, उसको उठाते थे, साफ करते थे, उठाकर लेके जाते थे, अंदर याजक के अधीन रहते थे, परमेश्वर ने कहा ये गोत्रों में नहीं गिने जाएंगे। 12 गोत्र थे, लेवी निकल गए, कितने रह गए? 11। परमेश्वर ने कहा यूसुफ भी गोत्रों में नहीं गिना जाएगा, बल्कि यूसुफ के दोनों बेटे वो गोत्रों में गिने जाएंगे। यूसुफ निकल गया, कितने रह गए? 10। यूसुफ के दो बच्चे एप्रेम और मनश्शे ऐड हो गए, कितने हो गए? 12 के 12 हो गए। अब 12 गोत्र, बीच में लेवी, मान लो ये तंबू है, हाँ, ये स्टेज लगा लो सिर्फ तंबू है। परमेश्वर ने कहा लेवी लोग तंबू के आसपास रहेंगे, 3 गोत्र इधर, 3 इधर, 3 उधर, 3 पीछे रहेंगे, लेवी लोग तंबू के पास रहेंगे। परमेश्वर ने कहा मैं जो पहलोठों को मारकर तुम्हें छुड़ा ले आया था, तुम्हारे सारे पहलोठे बड़े बच्चे मेरे होंगे। लेकिन परमेश्वर कुर्बानी नहीं लेता आदमियों की, यह हमें मालूम था। तो परमेश्वर ने क्या किया, लेवियों को गोत्रों से अलग कर दिया। और परमेश्वर ने कहा लेवियों के जितने पुरुष होंगे वो तुम्हारे पहलोठों के बदले मैंने सेवा के लिए ले लिए। आप मेरी बात समझ गए कि नहीं? हां, तो लेवियों के जितने बेटे थे, परमेश्वर ने कहा तुम लाखों लोगों के पहलोठों के बदले मैं लेवियों के बेटे ले लेता हूं। समझ आई कि नहीं आई? मैं हैरान हो गया बाइबल पढ़ के। जब हम गिनती की पुस्तक 3 उसका 39 से 43 आयत पढ़ते हैं, यहोवा की इस आज्ञा को पाकर एक महीने या उससे अधिक आयु वाले जितने लेवीय पुरुषों को मूसा और हारून ने उनके कुलों को अनुसार गिना वो 22,000 थे। परमेश्वर का वचन कहता है लेवियों, जो लेवी जो तंबू के आसपास रहते थे, उनके जब बेटों को गिना वो कितने थे? कितने थे? 22,000। फिर यहोवा ने मूसा से कहा इसराइलियों के जितने पहलोठों पुरुषों की आयु एक महीने या अधिक है उन सबों के नाम ले ले। अब परमेश्वर कहता लेवी गिन लिए ना, अब सारे इसराइली, 3 गोत्र इधर के, 3 उधर, 3 इधर, 3 पीछे के, सारे इसराइलियों के जितने पहलोठे बच्चे हैं उनकी गिनती भी ले ले। जब उनकी गिनती ली गई तो 43 आयत में लिखा सब पहलोठे पुरुष जिनकी आयु एक महीने या उसके अधिक की थी जो इसराइल में थे उनकी गिनती भी 22,273 निकली। ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब देखो, लाखों लोग थे वो, लाखों। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, लाखों लोग हैं जो तंबू के आसपास डेरा डाल के बैठे हैं और परमेश्वर कहता है ये सारे इनके पहलोठे बड़े बच्चे मैं उनके बदले में लेवियों के मेल को, बच्चों को, उनके लड़कों को ले लेता हूं। जब उनके पहलोठे गिने गए 22,000, इनके लड़के गिने गए लेवियों के 22,000, कैसे हुआ?
इतने लाखों की पॉपुलेशन, उन्हें लगता है आहा मेरे भाई की शादी होगी, आहा मेरे भाई का बच्चा हो गया, परमेश्वर कर रहा था। किसी का नहीं हुआ, परमेश्वर कर रहा था। 22,000 सोचो, इतने माइक्रो मैनेजमेंट कर रहा है कि वो पॉपुलेशन को भी कंट्रोल कर रहा है, और तुम्हें लगता है मेरी शादी हो गई इसलिए बच्चा हो रहा है। वो कहते तुम्हारे सारे पहलोठे मेरे, लेवियो पहल अपने मेल बच्चों को गिनो कितने, 22,000 तुम्हारे पहलोठे कितने, 22,000 मैं जिंदा खुदा हूं, उसने कहा मैं जानता हूं एक एक चीज जो तुम्हारी लाइफ में हो रही है। इमेजिन करो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी जिंदगी में जो हो रहा है परमेश्वर को मालूम नहीं? कौन सी सोच तुम्हें तंग कर रही क्या उसे मालूम नहीं? कौन सी चिंता तुम्हें सता रही क्या उसे मालूम नहीं? कौन सी बॉडी का पार्ट तुम्हारी हीलिंग को चाहिए क्या उसे मालूम नहीं? क्या तुम्हें तुम्हारी लाइफ में परमेश्वर चाहता है? तुम्हें यह देखना है वचनों के जरिए से। वो ऐसा परमेश्वर है जो लाखों में भी एक एक गिनती को, एक एक बच्चे को कंट्रोल किया हुआ उस। ऐसा परमेश्वर देखो, लाखों लोग बैठे हैं, लाखों गोत्र, तीन 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 में भी लाखों के हिसाब से हैं। इधर लाखों, इधर लाखों, इधर लाखों, उधर लाखों, और इधर भी 22,000 निकले सबके, और इधर भी 22,000। और हमें लगता है कि परमेश्वर के पास ये कंट्रोल नहीं है कि मेरा वीजा आएगा कि नहीं। ये परमेश्वर की गलती थोड़ी, उसको क्या कंट्रोल है? हमें लगता है वो मेरे सिर दर्द को कैसे कंट्रोल कर सकता है? मेरा बेटा तो बिगड़ गया है, बेटी बिगड़ गई, वो तो कैसे कंट्रोल हो सकते हैं? वो कहता है मैं तो लाखों को कंट्रोल कर रहा हूं, तुम्हें क्यों नहीं कर सकता? वो तो एक एक गिनती का हिसाब रख रहे हैं, तुम्हारा हिसाब क्यों नहीं रखेगा? इमेजिन करो आप। सब शुरुआत करते हैं मसीह में, हां? बाइबल कहती है, यकूब कहता मैं मरने वाला हूं, आ जाओ अपने अपने हिसाब किताब लेके तुम्हें आशीष दूं। यूसुफ भी चला अपने दो बच्चों को लेके। याकूब के पास पहुंचकर उसने देखा, अपने बाप के पास गया और अपने बड़े बेटे को अपने अपने लेफ्ट साइड कर लिया कि जब उसका बाप प्रार्थना करे तो सज्जा हाथ उस पे आए। हां, थोड़ा बुजुर्ग बंदा चाहिए। ये बड़ा और ये छोटा लग रहा है ना, बड़ा छोटा। तो यूसुफ बड़े को इधर रख के गया ताकि जब अपने बाप के वो सामने जाए तो बाप दाहिना हाथ इस पे रखे क्योंकि ये बड़ा है, और वो अपने छोटे को अपने दाहिने हाथ रख के इसलिए गया कि जब वो बाप के सामने जाए तो उसका लेफ्ट हैंड इस पे आए। और उसने कहा, बाप आप इन दोनों को बरकत दो, ये बड़ा है मनुष्य, ये छोटा है एप्रेम। और बाप की आंखें बाइबल कहती है धुंधली हो गई थी, तो उसको सूझता नहीं था। उसने क्या किया, अपना दाहिना हाथ इस पे रख दिया और बाहिना हाथ इस पे रख दिया। सुनो, और यूसुफ को लगा कि शायद, सुनो, उसकी आंखें धुंधली हो गई हैं, तो यूसुफ कहने लगा, नो 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 डैडी 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 जी, सज्जा हाथ इत्ते रखो क्योंकि ए वड्डा ते खब्बा इत्ते रखो ए छोटा। यूसुफ कहता, नहीं 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 मेरे बेटे, मुझे मालूम है छोटा ये है और बड़ा ये है। और उसने वचनों को बोला, उत्पत्ति 48 उसकी 13-20, उन्नीस आयत में पढ़ता हूं, पिता ने कहा, नहीं सुन है मेरे पुत्र, मैं इस बात को भली भांति जानता हूं, यद्यपि इससे भी मनुष्यों की एक मंडली उत्पन्न होगी और वो भी महान हो जाएगा, तो भी छोटा भाई इससे अधिक महान हो जाएगा और उसके वंश से बहुत सी जातियां निकलेगी। सुनो,
उसने क्या कहा? उसने कहा, बेटा नहीं, ऐसा नहीं है, यह खुदा की मर्जी है कि छोटा बड़े से भी अधिक महान हो जाएगा। उसने वचनों को रिलीज किया, इन्होंने आमीन बोला। उसके बाद याकूब खुदा के पास था, वो दोनों बच्चे बड़े होते गए और देखो असर क्या हुआ। गिनती दो उसकी 18 से 21 में उसका असर नजर आता है। जो गोत्र मैंने आपको बताए थे, जब गोत्रों की गिनती हो रही थी कि तुम खब्बे रहोगे, तुम पश्चिम में, तुम उत्तर में, तुम दक्षिण में, तुम पूर्व में रहोगे, तो गोत्र गिने जा रहे थे कि गिनना भी है कि कितने बंदे हैं एक गोत्र में। पश्चिम की ओर एप्रेम की छावनी के झंडे के लोग अपने दल के अनुसार रहेंगे, उनका प्रधान अमीहूद का पुत्र अली शामा होगा, उनके दल के गिने हुए पुरुष 40,500 हैं। एप्रेम छोटा, कितने पुरुष निकले लड़ाई वाले? 40,500। 20 में लिखा, उसके नजदीक मनश्शे के गोत्र के रहेंगे, उनका प्रधान पदासूर का पुत्र गमलियल होगा, उसके दल के चुने हुए गिने हुए पुरुष 32,200 हैं। जब छोटे का वंश गिना गया तो कितना निकला? 20 साल या उससे अधिक के युद्ध करने वाले पुरुष कितने निकले? 40,000। जब छोटे का गिना गया तो कितने निकला? बड़े का निकला गया कितना? 32,000। आपके घर में पहले बड़े की शादी होती, हाँ, फिर छोटे की होती, ऐसा ही होता है कि नहीं? चलो मान लो कि छोटा ज्यादा तेज है, लव मैरिज करा गया भाई, हाँ, कि बड़ा देखता रह गया, छोटा ज्यादा तेज है, चलो इत्तेफाक हो गया कि छोटे की शादी पहले हो गई। पर ऐसा एक बार हो सकता है, पर छोटा आत्मिक था, खुदा के ज्यादा नजदीक था। और बाइबल कहती है यूसुफ मनश्शे के पोते और एप्रेम के पड़पोतों को देखने पाया। पहले पड़पोता उसने किसका देखना चाहिए था? मनश्शे का बड़ा था वो, पर बाइबल कहती है वो उसने पड़पोते किसके देखे? एप्रेम के। एप्रेम की गिनती 40,000, बड़े भाई की गिनती 32,000। क्योंकि जब वर्ड्स रिलीज हुए, एक व्यक्ति जब आत्मिक होने का फैसला करता है, उसका सगा भाई हो या साथ में आया हुआ क्रिश्चियन हो जो उसके साथ प्रभु को जिसने माना था सेम टाइम पर अगर आप आत्मिक हैं, रिजल्ट नजर आएगा आने वाले दिनों में। लाइफ स्पिरिचुअल है, आपको मानना पड़ेगा। जब दोनों भाई वहां से निकले, कोई फर्क नहीं लगा। आज एक बंदा चर्च में बैठ के अपनी शादी के बाहर भी मुंह मार रहा है, वो भी आमीन आमीन बोल रहा है, वो भी यहीं बैठा है, वे भी चार कर रहा है, वो भी यहीं बैठा है, और जो पवित्रताई में चल रहा है वो भी यहीं बैठा आमीन बोल रहा है। जब यहां से निकलते हैं कोई फर्क नहीं लगता, दोनों एक जैसे हैं। सेम ऑटो पे आए, वे भी चार करने वाला अच्छी कार पे आया, उल्टा वो लगता है ये सेम ही है, ये भी आमीन बोलता है, मैं भी आमीन बोलता हूं, ये भी वही जिंदगी जी रहा है, ये तो अच्छी जी रहा है, इसकी तो 3-3 पत्नियां हैं। लेकिन समय आएगा, टाइम आएगा, जब धर्मी फ्लाइट लेगा ऊपर की और वो लैंड हो जाएगा नीचे दूसरा वाला। फैसला आपको करना है, आपको क्या करना है? आपको आपको ऊपर की ओर जाना है कि नीचे की ओर जाना है? क्योंकि अभी जब चर्च के बाहर आप दो जिंदगियों को कंपेयर करेंगे, आपको कोई फर्क दिखाई नहीं देगा। पापी में और धर्मी में आंखों से देखने पर कोई फर्क नहीं दिखेगा। और धोखा मत खाना, मत खाना धोखा।
क्योंकि शैतान एक ही दिन में उसको तबाह कर देगा जो पाप के नीचे है, क्योंकि शैतान के पास ताकत है उन्हें तबाह करने की। और धर्मी जो अपने घर को चट्टान के ऊपर बना रहा है, आपको बढ़ता हुआ, स्ट्रांग होता हुआ, आगे बढ़ता हुआ, ऊंचा जाता हुआ दिखाई देगा यीशु के नाम। फैसला आपको करना है, क्योंकि मेरे ग्रुप में बहुत से लोग थे, पास्टर्स को मूर्ख बनाते थे, इतना मूर्ख बनाते थे आप हैरान हो जाओ। पास्टर ने मुझ पे हाथ रखना, मैंने कहना खुदावन तेरा धन्यवाद, उस पे हाथ रखना, इतना लगना यार तो बंदा आत्मा वाला बंदा है यार। और अगली रात लड़की के साथ सोया होता था, नेक्स्ट नाइट। पर आज चलो मेरा तो छोड़ो, कोई कंपेयर नहीं कर सकता उसके साथ, एक स्मॉल ब्लेस बंदा भी उसके साथ कंपेयर करेगा तो अपने आप को ऊपर पाए। इतना लो लेवल पे जा चुका है, हर जगह उसको परमेश्वर ने लोएस्ट लेवल दिखाया। क्योंकि परमेश्वर को मूर्ख बनाता था, उसके लोगों को मूर्ख बना सकते हो दो चार दिन के लिए, लेकिन जो न्याय आने वाला है उसको तो मूर्ख नहीं बना सकते। झूठ बोल सकते हो पर फ्लड को रोक नहीं सकते। हालेलुया। तो दिखने में दोनों एक जैसे हैं, ए प्रेम भी मनुष्य भी, हाथ रखा तो भी एक जैसे, आमीन बोल के आए तो भी एक जैसे, दो चार साल कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब आपकी लाइफ की प्रोफेसी जो एक बच्चे के रूप में आपको दी जाती है, आप उसे पालते हैं, जिंदा रखते हैं, उसे फीड करते हैं। छोटा सा बच्चा आपको दिया जाए, हाँ कुछ लोग कुत्ते का बच्चा लेते हैं, मार देते हैं उसको, इतना उठाते हैं, इतना खिलाते हैं, खिलाते ही नहीं या कुछ तंग कर दे, मर जाता। लेकिन कुछ लोग उसे लेते हैं, पालते हैं और बड़ा करते हैं। प्रोफेसी इसी तरह की है, आप उसे बच्चे की तरह लेते हैं, खिलाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं कि प्रभु ने कहा है मेरे सिर के ऊपर, ये प्रोफेटिक वर्ड है, मुझे व्यभिचार में नहीं जाना है, चोरी नहीं करनी, डाका नहीं मारना है, गलत काम नहीं करना है, शराब नहीं पीनी, नशा नहीं करना है, मैं अपनी प्रोफेसी को बड़ा करूंगा। और जब वो बड़ी होकर बोलने लगेगी तो दुनिया सुनेगी आपको इन जीसस ने। जब तक वो बड़ी होने के योग्य नहीं है, तब तक लोगों को लगता है क्या फर्क है तुझमें और मुझमें, जलाश करते हैं, क्या फर्क है तुझमें और मुझमें, चला एक बड़ी अच्छी शैंपेन आई है बड़ी महंगी वाली, उसे पी के आते हैं, चला पार्टी करते हैं, क्योंकि अभी आपकी प्रोफेसी छोटी है, बोल नहीं सकती, लेकिन उसको जिंदा रखो। क्योंकि एक बच्चा जब छोटा होता है, अगर आप उसे पालेंगे वो बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो बोलेगा भी और काम भी करेगा। प्रोफेटिक वर्ड जो आप पे रिलीज किए जाते हैं काम करते हैं, लेकिन बाइबल कहती भविष्यवाणियों को तुच्छ मत समझो, उनको पालो, उनके विषय में काम करो, उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ो। हालेलुया। एक विश्वासी को मालूम होता है खुदा की बड़ी योजना है, लेकिन उसे मालूम है कि वो कमियां उसकी लाइफ से दूर होनी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अब्राहम तेरे पास पैसा भी है, बरकतें भी हैं, लेकिन एक आशीष जो तू चाहता है, मेजर वाली, बड़ी वाली, जो बड़ी स्ट्रांग है, जो सारा सिनेरियो चेंज कर दे, लोग गवाही देते होंगे उसके घर में, वाह भाई अब्राहम तो बड़ा कमाल का हो गया, कितने हले होया थोड़ी है, कुछ पैसे ही है, बरकत ही है। अब्राहम चाहता कि वो वाली बरकत जरूर मिले मुझे, वही मुंह बंद करेगी। और परमेश्वर कहता अगर मुंह बंद करने वाली बरकत चाहिए तो तुझे सिद्ध होना पड़े, परफेक्ट होना पड़े। और जब परमेश्वर आपको बोलता है मेरी बेटी परफेक्ट होना है, सिद्ध होना है, तो तुम्हें मालूम है परमेश्वर किसके बारे में बात कर रहा है। तुम्हें मालूम है तुम टीवी देखती हो ज्यादा, तुम्हें मालूम है तुम प्रेयर नहीं करती हो, तुम्हें मालूम है फोन की एडिक्शन हो गई है तुमको, तुम्हें मालूम है तुम चुगलियां करती हो, तुम्हें मालूम है कौन सी कमी है तुम्हारे अंदर। और तुम्हें मालूम है जब परमेश्वर कहता है मेरी बेटी सिद्ध हो जा, तुम्हें पता है कौन सी कमी दूर करनी। और वो वाली टेस्टमनी जो मुंह बंद कर देगी शैतान का और विरोधियों का, वो सिद्धता के बाद आपकी लाइफ में आती। अब तुम देखो सारा कुछ तुम्हारे सामने है, स्पिरिचुअल होने का असर क्या हुआ वो भी तुम्हारे सामने है,
थोड़ा कम स्पिरिचुअल होने का असर क्या हुआ, वो भी तुम्हारे सामने है। पाप करने का असर क्या हुआ, वो भी तुम्हारे सामने है। अब तुमने ये देखना है कि मुझे किस रीति से प्रभु में चलना है। अपनी भविष्यवाणी के लिए लड़ाई करते हुए, वचन पे चलते हुए चलना है, या पंगे लेते हुए, संसार का भी आनंद लेते हुए, सब जगह मुंह मारते हुए चलना है, तो तुम्हारी मर्जी। अगर आदत ही पड़ जाए धक्के खा के जाने की, तो प्लेन कहां से पसंद आएगा। अगर बसों में धक्के खाने की आदत पड़ गई है, तो फिर प्लेन कहां से पसंद आए। हाँ, जब तक तो ऐसे खड़े खड़े कपड़े ना फट जाएं दो तीन जगह से, फिर कहां प्लेन पसंद आए। तो अगर प्लेन मौजूद है मुंबई जाने के लिए, तो क्यों बसों में जा रहे हो। अगर तुम्हें मालूम है पवित्रताई में चलने से तुम्हारी राह आसान हो जाएगी और खुदावन तुमसे बात करेगा, तुम्हें गाइड करेगा, तो क्यों चलना उस रास्ते में जहां पे सब कुछ अंधेरा है, जहां अगुवाई होनी बंद हो जाती है और हम शरीर के अनुसार चलना शुरू कर देते। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आत्मिक बन, ऊंची आवाज में बोलो आत्मिक बन, फिर से बोलो आत्मिक बन। अपने हर एक पड़ोसी को बोलो ऊंची आवाज में, क्वायर क्वायर को, ले हैंड वाले, ले हैंड वाले को ऊंची आवाज में बोलो आत्मिक बन, तेरा फायदा है इसमें। बोलो 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 ऊंची आवाज में, बोलो बोलो, मैं देख रहा हूं तुमको। सात जनों को बोलो, पांच जनों को बोलो, अपने आसपास अलग अलग लोगों को। हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक दौड़ में दौड़ोगे तो एक जगह पहुंच जाओगे, फिर जहां पहुंचोगे कोई नीचे नहीं कर पाएगा। कोई जितना मर्जी बोल ले, दुखी हो जाएगा, सिर दर्द हो जाएगा, उसको तुम्हारा होगा कुछ नहीं। हालेलुया। तैयार हो तुम स्पिरिचुअल होने के लिए? अपने हाथों को उठाओ। अगर आप रोज रोज की रोटी और फायर प्रेयर को अटेंड कर रहे हैं, आपकी मसीह लाइफ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि आपने एवरेज पौने दो घंटे तो पहले ही प्रभु को दे दिए, उसके बाद प्रार्थना करो एक घंटा, आधा घंटा वचन पढ़ लिया तो हो गया। तुम्हारी बहुतों की प्रेयर्स कई पास्टर से भी ज्यादा हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब मैं शायद पैदा ही इसलिए हुआ हूं। सुबह उठो, प्रेयर रूम, शूटिंग, आओ खाना खाओ, प्रेयर रूम, शाम की शूटिंग। तो मेरे बच्चे मुझे शूटिंग वाला था समझ ले कि भाई साहब शूटिंग करने के लिए सारा दिन। और मैं आपको बता रहा था कि मेरा ये ड्रीम है कि मैं आपको रोज वचन सुनाऊं, लेकिन मेरी आदत ये है कि मैं दूसरों से प्रभावित नहीं होता। लोग इसलिए लाइव कर लेते, छो इतने लाइव, तू ही भी करो लाइव, मेरा नहीं होता। मुझे जब परमेश्वर बोलेगा मैं तभी कर पाऊंगा। तो मैं कितने साल से आपको बोल रहा हूं कि लाइव होगा, रोज आप वचन सुनेंगे। अब जब रोज लोग डीप बातें वचन की सुन रहे हैं, इमेजिन करो उनकी बाइबल की नॉलेज कहां तक चली जाएगी। और रात को जो फायर प्रेयर होती है, ओ खुदावन रहम आएगा शैतान के ऊपर, रोएगा वो। हालेलुया। क्योंकि रोज वचन सुनना और रोज फायर प्रेयर में शामिल होना, आप सेम नहीं। आमीन, ऊंचे वाला चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। एक और जो मैं आपसे सालों से कह रहा हूं कि मुझे प्रेयर माउंटेन चाहिए, वो भी बन चुका है। तो पहली एंट्री मैं प्रेयर कर रहा हूं वॉलंटियर्स की हो। वॉलंटियर चीखे मार रहे हैं। हालेलुया। तो वो भी तैयार है, उसकी भी ओपनिंग हो जाएगी। तो पहली एंट्री वॉलंटियर्स की, हालेलुया। और फिर कार्ड मेंबर जिनके पास कार्ड्स होंगे, और फिर आगे 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 आपको बताते जाएंगे।
हालेलुया। तो उसकी वीडियो मैं एक जारी करूंगा एक हफ्ते 10 दिन में, क्योंकि वो लास्ट अपने टचअप स्टेट पे है, सारा इंटीरियर वगैरह सब कुछ हो चुका है, जस्ट टचअप कर रहे हैं, वो बिंदी सुर्खी वो सारा टाइम पर इधर उधर लगा रहे हैं उसको। हालेलुया। तो वो हो जाएगा, तो आपके लिए एक जगह होगी जहां आप बिना चिंता के प्रेयर कर पाएंगे, फ्री हो गए। अपने हाथों को उठाओ फिर से मणिपुर के लिए। याद रखो हफ्ते में एक फास्ट, क्योंकि जो योजनाएं बन रही हैं उनके लिए प्रार्थना और उपवास चाहिए, उसके बिना काम नहीं होगा। अपने हाथों को उठाओ, चैरिटी में बहुत सा फाइनेंस जा रहा है, अपने बीजों को अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को एक दो हफ्ते लाना मत भूलना, ताकि सारे चीजें कवर हो जाएं। अपने हाथों को उठाओ मणिपुर के लिए, फिर से खुदा की ग्रेस को, खुदा के फेवर को मांगो मणिपुर के लोगों के लिए, वहां के चर्चेस के लिए, मसीह लोगों के लिए, सरकारों के लिए। आंखें उनकी खुलें यीशु के नाम। ऊंची आवाज में प्रार्थना करते हुए